नमस्कार प्यारे बच्चों, अब आप मेरे वीडियो है वो YouTube में मेरी चैनल सर्च करके चैनल में जाके प्लेलिस्ट में भी एक साथ सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हम सीख रहे थे हिंदी कक्षा 8 का द्वितीय सत्र का पाठ नंबर 1, पत्र एवं डायरी। उसमें पत्र के 5 प्रकार सीखे थे, आज हम छठा प्रकार सीखेंगे। छठा प्रकार है कार्यालयी पत्र। तो कार्यालय पत्र है वो हम अधिकारियों को लिखते हैं, जो सरकारी नौकरियां करता है उस अधिकारियों को हम है वो कार्यालयी पत्र लिखते हैं, जिससे हमें है वो कोई शिकायत करनी हो, कोई विनती करनी हो या कुछ बताना हो तो हम है वो पत्रों के द्वारा अधिकारियों को पत्र लिख सकते हैं। स्वास्थ्य अधिकारी को गंदगी के बारे में शिकायती पत्र। तो यहाँ पर है स्वास्थ्य अधिकारी को हम है वो हमारे घर के आसपास में जो गंदगी फैली है उसकी शिकायत करते हुए ये पत्र लिख रहे हैं। और तारीख है 20 मई 2011। सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, महानगर पालिका बड़ौदा। तो यहाँ है महानगर पालिका बड़ौदा के अधिकारी को हम है वो पत्र लिख रहे है। मान्यवर, तो मान्यवर है वो भी एक संबोधन है, जैसे हम प्रिय, माननीय, पूज्य ऐसे लिखते हैं, वैसे मान्यवर भी एक संबोधन है। सविनय निवेदन है कि मैं गायत्री मोहल्ले में रहता हूँ, यह मोहल्ला पिछले कई दिनों से ठीक से साफ नहीं हो रहा है, आजकल शादी का मौसम है, रास्ते पर गंदगी फैली है, पास के कूड़ेदान यानी डस्टबिन में सब जूठन डाल जाते हैं। जूठन यानी जो शादियों में बच्चा को कुच्चा जो खाया हुआ और बिगाड़ा हुआ जो खाना होता है वो बदबू के कारण पिछले 2 दिनों से तो यह हाल हो गया है कि वहां से आना जाना भी मुश्किल हो गया है, आने जाने वाले सभी लोग परेशान हो रहे हैं। यदि गंदगी को शीघ्र न हटाया गया तो मोहल्ले भर में बीमारी फैल जाने का डर है, आशा है आप शीघ्र ही उसे हटवाने की व्यवस्था करेंगे। तो यहाँ पे है वो स्वास्थ्य अधिकारी को कह रहे हैं कि हमारे मोहल्ले में है वो गंदगी ज्यादा फैली है, क्योंकि शादी की सीजन है और सब है वो वहां पे जूठा खाना फेंकने आते हैं, इसलिए वहां आने जाने में तकलीफ हो रही है और बहुत बदबू है, इसलिए आप उसे हटवाए ऐसी में आशा रखता हूँ। और फिर लिखते हैं आपका विनम्र सेवक सुरेश भाई परमार, गायत्री मोहल्ला बड़ौदा। तो कार्यालय पत्र है वो ऐसे लिखा जाता है। आगे है व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक पत्र यानी हम है जो व्यवसाय के लिए पत्र लिखते हैं, जैसे हमें कोई पुस्तक विक्रेता को पत्र लिखना है पुस्तकें भेजने के लिए, वैसे पहले के जमाने में हमें पुस्तकें चाहिए थी तो हम पत्र के द्वारा पुस्तक विक्रेता होते हैं दुकानदार उससे पुस्तक मंगवाते थे, पर अभी तो है वो हमारे कई ऑनलाइन साइट है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, ऐसे हमें ऑनलाइन पुस्तकें और सब कुछ मंगवा सकते हैं, पर पहले के जमाने में हम है वो पत्र के द्वारा मंगाते थे। पुस्तकें भेजने के लिए पुस्तक विक्रेता को पत्र। तारीख 10 जुलाई 2011। सेवा में व्यवस्थापक श्री गजानन पुस्तकालय सुभाष रोड वलसाड। तो यहाँ पर है वो पुस्तक विक्रेता का नाम नहीं है, पर पुस्तक की जी जो दुकान है श्री गजानन पुस्तकालय उसका नाम लिखा है और उसके व्यवस्थापक जो भी है वो महोदय। तो महोदय है वो भी एक संबोधन है। आगे है वो सभी संबोधन के बारे में पता चलेगा कि हम किसको कैसा कैसा संबोधन देते हैं। मुझे निम्नलिखित पुस्तकों की आवश्यकता है, उन्हें आप डाक से भेजने की कृपा करें। तो यहाँ पे जो उसको पुस्तकों की आवश्यकता है उसका नाम लिखा है और फिर उसके बनाने लिखने वाले का नाम लिखा है, जैसे नन्हा कोश तो लिखा है श्री रतिलाल नायक, फिर दूसरा है नालंदा विशाल शब्द सागर तो वो लिखा है श्री नवल जी, तीसरा है बृहद हिंदी शब्दकोश तो वो है श्याम बहादुर वर्मा,
डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा उसने लिखा है। फिर चार नंबर का है साहित्यिक मुहावरा लोकोक्ति कोश जो लिखा है हरिवंश राय शर्मा ने। फिर लिखते हैं कृपया उपर्युक्त पुस्तकें उचित कमीशन काट कर शीघ्र ही VPP यानी वैल्यू पेबल पोस्ट से भेजें। तो एक नया शब्द है VPP वैल्यू पेबल पोस्ट यानी हमें जो पुस्तकें जब हमारे घर पहुंच जाएगी फिर हमें उस पुस्तकों का दाम चुकाना होता है। इसमें फिर उसका पता लिखा है भवदीय प्रीति शाह शांति भवन MG रोड राजकोट। तो प्रीति शाह है वो पुस्तक मंगा रही है वलसाड से और उसको इतनी पुस्तकें चाहिए तो वो पत्र लिखे तो ऐसे पत्र लिखेती है। हमें भी यदि पुस्तकें मंगवानी है तो हम ऐसे पत्र लिख सकते हैं।